वही गांव जो हो दिल की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु श्रीवास्तव जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सबके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ये कविता नहीं, एक खोज है और उस खोज में आपको अपने साथ ले चलूंगा और बिना कोई भूमिका बांधे कविता शुरू करता हूँ, क्योंकि ये कविता जैसे आगे बढ़ेगी अपनी भूमिका खुद बांधेगी। सुबह सवेरे जब मैं उठकर आया और उठकर अपना टेलीविजन चलाया, उसमें एक बंदा सादगी से आया, हत्या डकैती बलात्कार की खबरें सुनाया। सुनकर मेरा दिल भर आया, दिल का खून आंखों में उतर आया। हर ओर जब लाचार भारत तड़पता हुआ पाया, तब मैंने एक और कदम बढ़ाया। क्या कि बातें करते थे हम जिसके आन बान शान की, बातें करते थे हम जिसके आन बान शान की, मैं तलाश करूंगा अपने उस हिंदुस्तान की। यही मकसद था मेरा, यही सबक था, ढूंढूंगा उस भारत को जो भारत तब था। हम सुनते थे दोस्तों कि वो हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, हर तरफ सुख था, कोई दुख नहीं था। तो उसी की तलाश में मैं जब निकला, तो अभी कुछ कदम ही चला था मैं कि एक औरत से टकराया। लड़खड़ाते हुए कदमों से जब मैंने उसे उठाया, उसने कहा मत उठाओ मुझे, मैं दुनिया से उठ चुकी हूँ। कभी बेरोजगारी, कभी राजनीति के हाथ लुट चुकी हूँ। मुझे बचाने के लिए अब चलते हैं कई अभियान। कभी भोजन, कभी किताबों के खिंच जाते हैं कमान। देखा मैंने उसकी हालत, तो हालत से बिल्कुल रुदाली थी, होगी कभी संपूर्ण, पर आज संस्कारों से खाली थी। अपने चमन की हालत को देखकर ले ली उसने दीक्षा, पूछा उसका नाम तो बताया उसने शिक्षा, ऐसे ही कुछ लोगों से मैं मिलूंगा। अगर मेरी पंक्तियां पूर्ण होने से पहले ही अगर आप अंदाजा लगा ले, तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। जी जी। तो मैं फिर बढ़ चला, देखी थी मैंने बेबसी अपने भारत महान की, पर मैं तलाश करूंगा अपने उस हिंदुस्तान की। कुछ और आगे बढ़ा मैं तो मुझे एक अपाहिज नजर आया, मुझे लगा मैंने अपनी तलाश का सबब पाया। अब उसका हुलिया सुनिए, चेहरा बड़ा खिन्न था, चेहरे से वो खिन्न था, आंखों में मलाल था, बैसाखी से चल रहा था, दुनिया से बेहाल था। मैंने पूछा कि सुनो वो मुखातिब अनजान, पुलिये से तो जान पड़ते हो तुम ही हिंदुस्तान। उसने कहा कि हिंदुस्तान को खोए तो जमाना हो गया, तब तो मैं बस अंधा था, अब लंगड़ा भी हो गया। अब तो मैं नेताओं के इशारों पे चलता हूँ। एक बैसाखी झूठ तो दूसरे रुपए के सहारे चलता हूँ। अपने हर मकसद से आज की तारीख में वो महरूम था। जब उसका नाम पूछा तो उसने बताया वो तो कानून था। फिर आगे बढ़ चला मैं हिंदुस्तान की तलाश में। तभी कदम मेरे बंधने लगे एक पाश में। मैंने पलट कर देखा तो वो एक खूबसूरत हसीना थी, पर क्या बताऊं यारों, उसमें हया कहीं ना थी। होठों पे उसके एक जहरीली मुस्कान थी, झूठी ही सही पर बदन में उसके जान थी। पूरे देश में एक वही तो थी जो खुश थी। थे सब उसके गुलाम, वो ऐसी अमानुष थी, ना ही कोई नीति थी उसकी, ना ही कोई रीति। मैंने नाम पूछा तो इतरा के बोली राजनीति। बहुत सटीक कहने, क्या कहने। बस आगे बढ़ा मैं और लगाई हिंदुस्तान की गुहार। तभी सामने से आया एक बूढ़ा लाचार। उसने कहा कि मैं नहीं हूं हिंदुस्तान। जहां है कदम मेरे वो है इंसानियत का कब्रिस्तान। हिंदू और मुस्लिम में मेरे टुकड़े किए गए। मंदिर और मस्जिद में मेरे चिथड़े उधेड़े गए। पीछे जो नाजनी खड़ी है उसने मुझे भी लूटा। नाम और मजहब बदल कर हर कोई मुझ पे टूटा। चेहरे पे आया उसके झुकाव, और झुकाव का कारण शर्म था। पर आप तो जान ही गए होंगे कि वो बूढ़ा तो धर्म था। खोज खोज के थक गया क्या मैं बताऊं अपने बात इस थकान की। पर मैं तलाश करूंगा आज अपने उस हिंदुस्तान की। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक बच्चा नजर आया। चेहरे पे अपनी वो एक मुरझाई सी मुस्कान लाया। देखकर उसकी हालत, आंखें मेरी तर हो रही थी,
कुछ इसी तरह उसकी भी गुजर हो रही थी। यतीम नहीं था वो, यतीम नहीं था वो, उसका भी सहारा था, पर धर्म शिक्षा और कानून के सहारों वाला वो भी राजनीति का मारा था। चेहरा था सुर्ख, आंखें थी हैरान, चेहरा था सुर्ख, आंखें थी हैरान, भूत तो ठीक था पर खराब था वर्तमान, दिमाग सोच रहा था, भविष्य के लिए था परेशान, सूखा सा मुरझाया सा शरीर था बेजान। मैंने पूछा उसे कि बच्चा बता बच्चे तेरी पहचान, मैंने पूछा उसे कि बता बच्चे तेरी पहचान, तो मुस्कुरा के बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, मुस्कुरा के बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। बहुत अच्छा।